brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. Candid Dusting Powder, redness, irritation, sweat rash और fungal infection जैसे चार skin problems का एक expert solution. अब रहो unstoppable Candid Dusting Powder के साथ. नमस्कार, स्वीकार कीजिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। आज बात करेंगे अमित शाह के घर देर रात हुई बैठक की, जिसमें सरकार ने अपना अगला और बड़ा कदम तय कर लिया और नीट परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है वो भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में हुए रेल हादसे के एक दिन बाद हालात कैसे हैं। दिन की बड़ी खबर से शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला 17 जून की देर रात उनके आवास से निकला। पहले से कोई खास कार्यक्रम शेड्यूल नहीं था तो पत्रकार बिरादरी में खलबली मच गई कि गृह मंत्री देर रात कहां जा रहे हैं। दिमागी घोड़ों की दौड़ कुछ और तेज हुई जब पता चला कि साथ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और प्रहलाद जोशी भी हैं। काफिला जाकर के रुका पिछली लोकसभा के अध्यक्ष रहे ओम बिरला के आवास पर। देर रात औचक बैठक रखी गई थी ये तय करने के लिए कि अगला लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा। अध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए ये दो दिन में की गई दूसरी बैठक थी। इसके पहले रविवार यानी 16 जून को भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक बैठक रखी गई थी। इस बैठक के बाद किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की थी। 18 जून को राजनाथ सिंह के आवास पर भी एक बैठक हो रही है। उनके आवास पर इसलिए क्योंकि राजनाथ सिंह के पास ही सहयोगी दलों से बातचीत कर सहमति बनाने की जिम्मेदारी है, उन्हें ये काम दिया गया है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, टीडीपी के राममोहन नायडू, लोजपा के चिराग पासवान और जेडीयू के ललन सिंह समेत दूसरे मंत्री भी शामिल होने वाले हैं। संसद का पहला सत्र 24 जून को शुरू हो रहा है जो 3 जुलाई तक चलेगा। स्पीकर का चुनाव 26 जून को हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की तरफ से स्पीकर के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। 27 जून को राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि स्पीकर के पद के लिए भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने दो नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। पहला नाम है भर्तृहरि महताब का। महताब कटक से 7वीं बार सांसद बने हैं। पहले वो बीजेडी में थे, बीजू जनता दल में। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। वे ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हरे कृष्ण महताब के सुपुत्र हैं, उनके बेटे हैं। दूसरा नाम है दग्गुबाती पुरंदेश्वरी का। वो आंध्र प्रदेश की राजमुंदरी सीट से सांसद हैं। भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो। पहले कांग्रेस में थी, 2014 लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गई थी। दोनों नामों के बारे में चर्चाएं क्यों गर्म हैं और भाजपा बीते दो दिनों में हुई दो बैठकों में क्या विचार विमर्श कर रही है, पार्टी में अंदर खाने किस तरह की बातचीत चल रही है, बता रहे हैं भाजपा की खबरों पर नजर रखने वाले सीनियर पत्रकार। बीजेपी ने स्पीकर का नाम अभी तक इन्होंने अलायंस से पहले डिस्कस करके इसके बाद उनको ओपोजिशन के साथ भी डिस्कशन करना पड़ेगा। तो अभी इन्होंने राजनाथ जी के घर पे एक मीटिंग में मंत्री है, मतलब एनडीए की मंत्री भी है, बीजेपी का सीनियर मिनिस्टर्स भी है, उसमें उनका डिस्कशन होगा। इसके बाद जो भी नाम उन्होंने सहमति होता जाता है, मतलब अलेस ने पहले ही बोला था हम बीजेपी का जो भी है नॉमिनेशन उसका सॉरी सजेशन उसको हम डिस्कशन करके उनको सपोर्ट करेंगे। जेडीयू ने पहले बोला जो भी बीजेपी करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि हमको डिप्यूटी स्पीकर का मतलब डिप्यूटी चेयरमैन है अभी ऑलरेडी जेडीयू एमपी इन द राज्यसभा, इसलिए लोकसभा हमें कोई ऐसा कोई डिमांड नहीं है। लेकिन टीडीपी ने बोला था कि एनडीए की कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन टीडीपी ने ऐसा भी बोला है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीजेपी का जो भी नाम है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इस बार ओपोजिशन थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए ऐसे लग रहे हैं कि ओपोजिशन ऑल्सो विल डिमांड फॉर डिप्यूटी स्पीकर पोस्ट एंड ऑल्सो आई थिंक बीजेपी से भी ऐसे ही होगा कि डिप्यूटी स्पीकर होगा, लेकिन वो क्या उन्होंने ओपोजिशन को ऑफर करेंगे या एनडीए अलायंस को ऑफर करेंगे इसका अभी तक क्लैरिटी नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे लग रहे कि डिप्यूटी स्पीकर होगा ही होगा इस बार। इसके बाद अभी जो भी नाम का कंसेंसस होगा एनडीए अलायंस के बीच में उसका उन्होंने वो नाम ओपोजिशन के साथ दे विल हैव टू रन इट पास टू ओपोजिशन और ऑपोजिशन भी मानेंगे तो कंसेंसस में होगा कि इनका सिलेक्शन होगा।
लेकिन सिलेक्शन नहीं है तो कन्फ्रंटेशन, जो पहले जो सिग्नल्स मिला सरकार से, ऐसे सरकार गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट डजंट वांट टू हैव ए कन्फ्रंटेशन विद द ऑपोजिशन इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, इसलिए ऐसा ही नाम रखेंगे कि जिसमें कॉन्सेंसस होगा। ऑपोजिशन का अभी तक इनका ये स्टैंड है कि वेट करेंगे, जो भी नाम आएंगे इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। ये भी संभावना जताई जा रही है कि ओम बिरला को ही दोबारा स्पीकर बनाया जा सकता है। भाजपा की राजनीति को देखते हुए अचानक किसी नए नाम की चट एंट्री और पट मोहर वाली बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। खैर, ये सब इतना आसान भी नहीं है कि भाजपा ने कुछ नाम सोचे और उनमें से एक फाइनल करा लिया। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने बीजेपी सूत्रों के हवाले से बताया है कि स्पीकर का चेहरा सरप्राइज भी हो सकता है, लेकिन किसी भी नाम पर मुहर लगाने से पहले गठबंधन के सहयोगियों से बात की जाएगी। टीडीपी की ओर से अभी तक साफ तौर पर स्पष्ट इन्हीं शब्दों में नहीं कहा गया है कि वो स्पीकर पद की उम्मीद छोड़ चुकी है। वो स्पीकर के लिए सर्वसम्मति शब्द का इस्तेमाल कर रही है, यानी जिस पर सबकी सहमति होगी। दूसरी जो सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है जेडीयू, वो खुलकर बीजेपी के नाम पर समर्थन जरूर जता चुकी है। 17 जून को ये जानकारी भी सामने आई थी कि बीजेपी स्पीकर पद अपने पास ही रखेगी, वहीं डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के सहयोगी दलों को दिया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस ने 17 जून की बैठक के बाद टीडीपी के एक सूत्र के हवाले से लिखा है कि अगर सबकी सहमति बनती है तो पार्टी किसी नाम पर जोर नहीं लगाएगी। सूत्र ने कहा कि एनडीए की बैठक में वे सर्वसम्मति से चुने गए उम्मीदवार के साथ जाएंगे। 2 दिन पहले टीडीपी के सूत्र ने इसी अखबार से कहा था कि पार्टी ने इस विकल्प को नहीं छोड़ा है। एनडीए की पुरानी सरकारों में टीडीपी के पास पहले भी स्पीकर पद रह चुका है। 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में टीडीपी भी हिस्सेदार थी। तब टीडीपी सांसद जीएमसी बालयोगी स्पीकर बने थे। वे लोकसभा के पहले दलित स्पीकर भी थे। 17 अप्रैल 1999 को वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई थी। सिर्फ एक वोट के कारण उनकी सरकार गिर गई थी, आपको याद होगा। स्पीकर जीएमसी बालयोगी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री चुने जा चुके कांग्रेस सांसद गिरधर गमांग को वोट करने की अनुमति दे दी थी। गिरधर गमांग कांग्रेस के सांसद थे। फरवरी 1999 में वो ओडिशा के मुख्यमंत्री बन गए थे। इसके बावजूद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था। उनके इस एक वोट ने वाजपेयी की सरकार गिरा दी। फिर अगले साल मध्यावधि चुनाव हुए और अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन सरकार बनी और इस सरकार में भी जेएमसी बालयोगी को ही लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया। 3 मार्च 2002 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में बालयोगी की मौत हो गई थी। खैर, वर्तमान में लौटते हैं और आगे बढ़ने से पहले स्पीकर पद की अहमियत पर बात कर लेते हैं, जिसके लिए इतनी माथापच्ची हो रही है। लोकसभा स्पीकर चुने जाने के लिए कोई खास योग्यता नहीं चाहिए, बस लोकसभा की सदस्यता होनी जरूरी है। परंपरागत रूप से अपने यहाँ लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों या कानून की जानकारी रखने वालों को स्पीकर चुना जाता है। आमतौर पर ये परंपरा रही है। लोकसभा के सदस्य साधारण बहुमत के आधार पर स्पीकर को चुनते हैं। स्पीकर का काम लोकसभा के भीतर संविधान के प्रावधानों के तहत कार्यवाही का संचालन करवाना होता है, इसलिए उन्हें जो भी शक्तियां दी जाती हैं वो भी सुन लीजिए। सदन को स्थगित करने का अधिकार स्पीकर का होता है। संसद की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता स्पीकर ही करते हैं। संसदीय समितियों को गठन करने का अधिकार भी स्पीकर का होता है। अविश्वास प्रस्ताव को छोड़कर सदन में जितने भी प्रस्ताव आते हैं वो स्पीकर की अनुमति से ही आते हैं। किसी बिल या प्रस्ताव पर बराबर वोट पड़ने स्थिति में स्पीकर को अपना मत इस्तेमाल करने का अधिकार भी होता है। सदन के सदस्य की अयोग्यता पर अंतिम फैसले का अधिकार भी स्पीकर के पास होता है और सदन में इस्तेमाल किसी असंसदीय शब्द को रिकॉर्ड से हटाने का फैसला भी स्पीकर ही करते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज, स्पीकर जो है वो लोकसभा सचिवालय के प्रमुख भी होते हैं। उनकी अनुमति के बिना संसद के भीतर कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। लोकसभा स्पीकर की महत्ता उस वक्त सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है जब कोई सांसद दल बदल करते हैं या पार्टी लाइन से बाहर जाकर के वोट देते हैं। सांसदों के दल बदलने या व्हिप का उल्लंघन करने को लेकर सिर्फ स्पीकर फैसला ले सकता है, वो सांसदों को अयोग्य भी ठहरा सकता है। साल 1985 में संविधान में 52वां संशोधन करके 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि यदि संसद और राज्य विधायिका का कोई भी सदस्य पार्टी बदलता है, यानी कोई भी सांसद या कोई भी विधायक, तो उसे सदन से बर्खास्त किया जाएगा। इसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। इस अनुसूची के दूसरे पैराग्राफ में कहा गया है कि सदन का कोई भी सदस्य, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर पार्टी बदलता है या पार्टी के निर्देश के विपरीत वोट करता है या फिर पार्टी की इजाज़त के बिना सदन की कार्रवाई से गैर हाजिर रहता है और वोट नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को सदन की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया, उसकी सदस्यता जो है खत्म कर दी जाएगी। सदस्यता खत्म करने का मतलब यह है कि वो व्यक्ति सांसद या विधायक नहीं रह पाएगा।
ये कानून इसलिए ही लाया गया था ताकि मौका पाते ही एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने वाले विधायकों या सांसदों पर लगाम लगाई जा सके, उन्हें रोका जा सके। हालांकि इसी कानून में कहा गया है कि अगर विधायक या संसदीय दल के 2/3 सदस्य ऐसा करते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। 10वीं अनुसूची के तहत सदन के स्पीकर को कुछ शक्तियां दी गई हैं। इसके पैराग्राफ 6/1 में कहा गया है कि सदन के सदस्य की बर्खास्तगी से जुड़ा कोई सवाल अगर उठता है तो उसे अध्यक्ष के सामने पेश किया जाना चाहिए और इसे लेकर उनका यानी अध्यक्ष और स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। हालांकि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, हो सकता है। स्पीकर की शक्तियों का हालिया उदाहरण शिवसेना में हुई बगावत के दौरान भी दिखा था। बगावत के बाद शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य साबित करने का मसला महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के पास पहुंचा था। इस साल 10 जनवरी को राहुल नार्वेकर ने फैसला सुनाया कि एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिवसेना होगी, इसलिए अब केंद्र में एनडीए गठबंधन सरकार में स्पीकर की भूमिका को अहम माना जा रहा है। स्पीकर पद को लेकर इतनी चर्चा क्या सिर्फ इसलिए हो रही है कि भविष्य में गठबंधन में किसी तरह के मतभेद की स्थिति में फैसला गठबंधन सहयोगियों के पास ही रहे? इसे हमने समझने की कोशिश की सीनियर पत्रकार से। अभी देखो, जैसे कि कोई भी पार्टी में अभी आजकल हम बहुत पार्टियां डिफेक्शन स्प्लिट ये सब देखते हैं, तो ऐसे वाले में स्पीकर का लास्ट वर्ड होता है। तो कोई भी पार्टी, आप मान लो कि एक पार्टी स्प्लिट होके जैसे शिवसेना की हो गया लोकसभा में या असेंबली में, तो स्पीकर का डिसीजन हमने देखा है। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे फाइनली बोला है कि सुप्रीम कोर्ट विल नॉट इंटरफियर इन टू एनीथिंग, इट इज अप टू द स्पीकर। तो सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र स्पीकर से इतना ही बोला कि आप डिसीजन ले लीजिए, तो लेकिन डिसीजन उन्होंने नहीं बोला है। इसलिए स्पीकर का पद एंड ऑल्सो वोटिंग, आपको पता है जो भी डिविजन मांगते हैं हर इश्यू में ओपोजिशन, जब डिविजन कोई एमपी मांगे तो उनको देना पड़ता है। डिविजन मांगे तो नंबर नहीं है तो प्रॉब्लम है, अपने रूलिंग साइड में नंबर नहीं है तो स्पीकर हैज टू सी नंबर इज देयर, to then he or she will have to adjourn the house and see that the ruling party has number. ये ऐसे कि मैंने बोला ना, हर decision में सभा में जो होता है, parliament में जो होता है, उसके हर decision में speaker का role is very crucial, and especially when a coalition government is there, it is not something that you can just see anybody can. So ruling party will see that some a leader, an MP or MP who will actually will understand this and who will know the rules, who will actually जो इसके लिए जो सरकार की तरफ से जो भी law आया, मतलब bill आया, उसको support करने वाला नेताओं को ही उन्होंने they will prefer to have a person of their choice. इधर विपक्ष डिप्टी स्पीकर की मांग पर अड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी को संसदीय परंपरा का पालन करना चाहिए। उनका कहना है कि हमेशा से ये परंपरा रही है कि स्पीकर का पद सत्ता पक्ष और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास रहता है, रहना चाहिए। ये चर्चा ही बेकार हो रही है कि सत्तारूढ़ दल स्पीकर पद भी लेगा और डिप्टी स्पीकर पद भी लेगा। ये तो परंपरा 1952 से उठा के देख लीजिए, जब तक कांग्रेस सरकार रही स्पीकर हमेशा कांग्रेस का रहा और डिप्टी स्पीकर हमेशा विरोधी दल का रहता रहा है। ज्यादातर समय इसी परंपरा का पालन होता रहा। आज इंडिया गठबंधन यही तो मांग कर रहा है। ये सही है कि 2004 से 2014 के दौरान यूपीए की दो सरकारों में डिप्टी स्पीकर भाजपा के नेता थे। पहली यूपीए सरकार में चरणजीत सिंह अटवाल और दूसरी यूपीए सरकार में करिया मुंडा डिप्टी स्पीकर बने थे। पिछले दो लोकसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बना रही थी। 2014 की सरकार में सुमित्रा महाजन स्पीकर बनी थी। वहीं बीजेपी की सहयोगी AIADMK के एम थाम्बीदुरई को डिप्टी स्पीकर बनाया गया था, लेकिन पिछली लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा था। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं दिया गया तो विपक्षी पार्टियां स्पीकर पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती हैं, और अगर विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारता है तो आजादी के बाद यह पहली बार होगा कि स्पीकर पद के लिए चुनाव हो, क्योंकि आज तक स्पीकर का फैसला आम सहमति से होता रहा है।
जाहिर है इस बार बीजेपी को अपने सहयोगी दलों के दम पर सरकार चलानी है क्योंकि उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। इसलिए आने वाले समय में दूसरे दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है, उसके सहयोगी दलों की। और इस भूमिका के शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने बिना किसी नेता का नाम लिए कहा है कि एनडीए के कुछ लोग उनके संपर्क में हैं। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार बहुत ही नाजुक है और कहा कि छोटी से छोटी गड़बड़ी से ये सरकार गिर सकती है, बस सिर्फ एक सहयोगी को दूसरी तरफ मुड़ना है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मोदी खेमे में भी बहुत ज़्यादा नाराजगी है और कहा कि इस बार गठबंधन सरकार को संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी के लिए जो काम कर गया वो इस बार काम नहीं कर रहा है। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों पर। पहली सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार वाराणसी पहुंचे। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को वाराणसी से लगातार तीसरी जीत मिली। आज वाराणसी में एक किसान सम्मान सम्मेलन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त उन्होंने जारी की। इसके तहत 9,26,00,000 किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। साल 2019 में शुरू की गई पीएम किसान निधि योजना एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया। हमारी काशी संस्कृति की राजधानी रही है, हमारी काशी ज्ञान की राजधानी रही है, हमारी काशी सर्व विद्या की राजधानी रही है, लेकिन इन सबके साथ साथ काशी एक ऐसी नगरी बनी है जिसने सारी दुनिया को ये दिखाया है कि हेरिटेज सिटी भी अर्बन डेवलपमेंट का नया अध्याय लिख सकती है, विकास भी और विरासत भी का मंत्र काशी में हर तरफ दिखाई देता है। अगली सुर्खी है नीट यूजी की परीक्षा परिणाम से जुड़ी हुई। देश की सर्वोच्च अदालत ने नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए और सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई चूक हुई है तो उसे स्वीकार करें और अगर परीक्षा आयोजित करने में 0.001% की भी लापरवाही हुई है तो सुनिश्चित करें कि इसे पूरी तरह गंभीरता से देखा जाए। कोर्ट ने एनटीए से कहा है कि वो छात्रों की शिकायत को नज़रअंदाज ना करें, अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे समय रहते सुधारा जाए। दरअसल 18 जून को सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स जैसे मसलों को लेकर, जैसे विवादों को लेकर के दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। आज तक के संवाददाता अजय सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा, हम परीक्षा के लिए छात्रों की मेहनत को समझते हैं, बच्चों ने परीक्षा की जी जान से तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को दरकिनार नहीं कर सकते। सरकार और एनटीए इन याचिकाओं को प्रतिकूल मुकदमे के तौर पर ना लें बल्कि 8 जुलाई को एनटीए और सरकार पूरी तैयारी के साथ आएं। यानी मामले में अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। ये तो हुई अदालत की बात। नीट के रिजल्ट को लेकर राजनीति के मैदान में भी घमासान मचा हुआ है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाला। राहुल ने एक्स पर शेयर किए गए अपने पोस्ट में लिखा कि नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है और ये भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुके हैं, ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया। इस मामले पर अन्य राजनीतिक दलों और बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी सुनिए। करोड़ों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ पिछले 2 साल में। कभी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो जाता है, कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है, कभी जेई का पेपर लीक हो जाता है, तो ये देश के नौजवानों की जिंदगी के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है और इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसमें जो लोग शामिल हैं उनको एक टाइम बाउंड तरीके से इन्वेस्टिगेशन करा के उनको सजा दिलाई जाए, सच से सच सजा दिलाई जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। ये सीधे सीधे मोदी सरकार के अधीन आने वाले शिक्षा मंत्रालय का घोटाला है। आम आदमी पार्टी के जहां तक चरित्र की बात है, पूरा विषय अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। अगली सुर्खी की शुरुआत इस ड्रोन वीडियो से करेंगे।
17 जून को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास रेल हादसा हुआ था। ये तस्वीरें उसी दुर्घटना स्थल की हैं। राहत और बचाव कार्य के बाद यहाँ रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू हो गया है। हालांकि कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। आप जानते ही हैं कि 17 जून को यहाँ कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी थी। कल तक इस हादसे में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई थी। अब ये आंकड़ा 10 मौतों तक जा पहुंचा है। दूसरी ओर हादसे में मारे गए मालगाड़ी के लोको पायलट्स के खिलाफ सिलीगुड़ी के भक्ति नगर थाने में शिकायत दर्ज हुई है। ये शिकायत उस महिला यात्री ने की है जो हादसे के वक्त कंचनजंगा एक्सप्रेस में सवार थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस हादसे की प्रारंभिक वजह मानवीय भूल बताई गई है। आगे की जाँच के बारे में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी क्या बता रहे हैं वो भी सुन लीजिए। इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हो रहा है, आफ्टरनून से इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ADRM ऑफिस है, वहाँ पर इंक्वायरी करेंगे आज आफ्टरनून से। ऑटोमेटिक सिग्नल टेरिटरी है, ठीक है ना। ऑटोमेटिक सिग्नल खराब थे तो उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना होता है ड्राइवर्स को। तो पहले वाले ड्राइवर को भी फॉलो करना है, पीछे वाले को करना है। अब इसमें क्या गलती हुई है उसी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लास्ट जो सिग्नल है सर, लास्ट जो सिग्नल है 300-400 मीटर दूरी पे है, वहां से क्रॉस करते हुए तो इतना लिटिल डिस्टेंस से कैसे ये 78 किलोमीटर स्पीड में गया। तो वही तो अभी इन्वेस्टिगेट करने दोगे तभी तो पता चलेगा। अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सारा रिकॉर्ड जो है सील कर लिया गया है। सारी अथॉरिटी जो दी गई है वो सब सील कर ली गई है। लोगों से अभी इंक्वायरी होगी, उसके बारे में पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। आज के दी ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभरात्रि।